नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी ने किया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रामाणिक जीवन का लोकार्पण। आज शाम संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग के बाल योगी सभागार में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और सहयोग लेखक रवि दत्त वाजपेयी की लिखी किताब चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। देश की सेवा करने वाले सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए म्यूजियम बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में एक जमान में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की प्रतिकूल छवि घड़ने का प्रयास किया और कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृतियों को मिटाने का प्रयास किया। मॉब लिंचिंग पर पीएम मोदी को भेजे खत में मणि रत्नम के हस्ताक्षर को बताया फर्जी। चिट्ठी में साइन करने वालों में मणि रत्नम का भी नाम बताया जा रहा है। टीम के मुताबिक मणि रत्नम इस वक्त अपनी आने वाली फिल्म के ही प्रोडक्शन काम में व्यस्त है। उन्होंने ऐसी किसी चिट्ठी पर न तो हस्ताक्षर किया और न ही ऐसी कोई चिट्ठी उनके सामने स्पोर्ट के लिए प्रस्तुत की गई है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।